Abdul Malik's coinage reform. The three coin specimens shows the transition from Byzantine to Arab Islamic coinage. ये जो यहाँ पर तीन कॉइन के स्पेसिमेंस दिए हैं, स्टैंपल्स दिखाए गए हैं, ये बताते हैं कि किस तरीके से चेंज आया था बाइजेंटाइन से अरब इस्लामिक कॉइनेज में. ऑन द सेकेंड कॉइन द बियर्डेड एंड लॉन्ग हेयर्ड कैलिफ इज ड्रेस्ड इन ट्रेडिशनल अरब रोब्स एंड इज होल्डिंग अ स्वॉर्ड. जो सेकेंड कॉइन है उसमें दिखाया गया है कि एक लंबी दाढ़ी वाले और एक लंबे बालों वाले जो कैलिफ हैं, वो अपना पूरा ट्रेडिशनल अरब ड्रेस पहने हुए हैं और तलवार पकड़े हुए हैं. इट इज द फर्स्ट एक्सटेंट पोर्ट्रेट ऑफ अ मुस्लिम. ये पहली जो है सर्वाइविंग पोर्ट्रेट कहा जा सकती है मुस्लिम की. इट इज ऑल्सो यूनिक बिकॉज लेटर दे आर डेवलप एन एंटीपैथी टूवर्ड्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिविंग बींग्स इन आर्ट एंड क्राफ्ट. ये इसलिए भी यूनिक मानी गई है क्योंकि बाद में चलकर एक तरह से विरोध होने लग गया था कि किसी भी लिविंग बींग को आर्ट या क्राफ्ट में ना दर्शाया जाए. अब्दुल मलिक्स रिफॉर्म ऑफ कॉइनेज वॉज लिंक्ड विद हिज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट फाइनेंसेस. अब्दुल मलिक का ये जो चेंज था कॉइनेज का, ये इस तरह से लिंक्ड था, एसोसिएटेड था, जो उन्होंने अपने स्टेट फाइनेंसेस थे उनको दोबारा रीऑर्गेनाइज कराया था. इट वाज सो सक्सेसफुल दैट फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स कॉइन वाज स्ट्रक अकॉर्डिंग टू द पैटर्न एंड वेट ऑफ द थर्ड स्पेसिमेन. ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल रहा कि सैकड़ों सालों तक ये जो कॉइन्स थे ये बिल्कुल उसी थर्ड स्पेसिमेन में जैसे दिखाया गया कि पैटर्न और वेट बिल्कुल वैसे ही चलते रहे कई सैकड़ों सालों तक. द अब्बासिद रिवॉल्यूशन. फॉर देयर सक्सेस इन सेंट्रलाइजिंग द मुस्लिम पॉलिटी द उमायस पेड अ हैवी प्राइस. उमायस जो थे उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी, बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी उनके सक्सेस को पाने के लिए, जो उन्होंने एक मुस्लिम राज्य को सेंट्रलाइज करने की कोशिश करी थी और उसमें उनको जो सक्सेस हासिल हुई उसके लिए उनको काफी भारी कीमत देनी पड़ी. अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट कॉल्ड दवा ब्रॉट डाउन द उमायस एंड रिप्लेस देम विद अनदर फैमिली ऑफ मक्कन ओरिजिन द अब्बासिद्स इन 750. एक बहुत ही प्रिपेयर्ड ऑर्गेनाइज तरीके से जो है एक मूवमेंट चलाया गया, आंदोलन चलाया गया जिसे कहा गया दवा, जिसकी वजह से जो उमायत से अब उनका सत्ता जो है वो खत्म हो रही थी और साथ ही साथ जो है एक दूसरी फैमिली जो है मक्कन ओरिजिन की अब्बासिद वो जो है अब उसमें आ गई थी. क्या कहते हैं 750 में द अब्बासिद पोर्ट्रेट द उमायद रेजमी एज इविल एंड प्रोमिस्ड अ रिस्टोरेशन ऑफ द ओरिजिनल इस्लाम ऑफ द प्रॉफिट. अब्बासिद जो है उन्होंने उमायद जो रीज रेजमी थी उसको एक तरह से बहुत खराब दर्शाया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो ओरिजिनल इस्लाम थे, यानी कि हम बिल्कुल वैसा ही ओरिजिनल जैसा प्रॉफिट के टाइम का इस्लाम था हम उसको दोबारा रिस्टोर करेंगे. द रेवोल्यूशन लेड नॉट ओनली टू अ चेंज ऑफ द डायनेस्टी बट चेंजेस इन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड कल्चर ऑफ इस्लाम. इस रिवॉल्यूशन की वजह से खाली डायनेस्टी में ही चेंजेस नहीं आए बल्कि जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और जो कल्चर था इस्लाम का उसमें भी काफी चेंजेस आए. The Abbasid uprising broke out in the distant region of Khorasan, a 20-day journey from Damascus on fast horse. ये जो अब्बासिद थे, जब इन लोगों ने अपना सिर उठाना शुरू किया, तो ये जो है बहुत दूर इलाके में थे खुरासन में, और वहाँ से डमास्कस के तक की जर्नी थी वो 20 दिन की थी अगर आप तेज घोड़े पे बैठ के आते हो तो. खुरासन has a mixed Arab-Iranian population which could be mobilized for various reasons. खुरासन में जो है अरब और ईरानियन पॉपुलेशन के मिक्स लोग रहते थे जिसकी वजह से जहां भी जरूरत होती थी उनको जुटाया जा सकता था. द अरब सोल्जर्स हियर वर मोस्टली फ्रॉम इराक एंड रिजेंटेड द डोमिनेंस ऑफ द सीरियंस. अरब सोल्जर्स जो है वो ज्यादातर यहां पर इराक से थे और उन्हें जो है सीरियंस का जो दबदबा था वो उससे नहीं पसंद करते थे. द सिविलियन अरब्स ऑफ खुरासन डिसलाइक द उमायद रेजमी फॉर हैविंग मेड प्रॉमिसेस ऑफ टैक्स कंसेशंस एंड प्रिविलेजेस व्हिच वर नेवर फुलफिल्ड. जो सिविलियंस थे अरब्स, यानी कि जो खुरासन में जो अरब्स रहते थे उनका क्या मानना था कि वो उमायद रेजमी को इसलिए नहीं पसंद करते हैं क्योंकि उन्होंने क्या किया कि टैक्स में कंसेशन देंगे, थोड़ी से आपको फैसिलिटीज देंगे, फायदा देंगे, वो सबका प्रॉमिस किया पर आपने कभी आज तक प्रॉमिस पूरा नहीं किया. एज फॉर ईरानियन मुस्लिम्स मवाली दे वर एक्सपोज टू द स्कॉर्न ऑफ द रेस कॉन्शियस अरब्स एंड वर ईगर टू ज्वाइन एनी कैंपेन टू आउट द उमायद्स. जो ईरानियन मुस्लिम्स थे जिनको मवाली कहते हैं वो लोग जो हैं ये जो रेस कॉन्शियस थे अरब्स जो हैं इनके तिरस्कार की वजह से काफी ज्यादा जैसे कहते हैं ये परेशान थे और इस वजह से वो लोग ये चाहते थे कि हम किसी भी तरीके से कोई भी कैंपेन हो उमायद्स के अगेंस्ट तो हम जो है उसको ज्वाइन करने को तैयार हैं. द अब्बासिद डिसेंडेंट्स ऑफ अब्बास द प्रॉफिट्स अंकल मस्टर्ड द सपोर्ट ऑफ वेरियस डिसिडेंट ग्रुप्स एंड लेजिटिमाइज्ड देयर बिड फॉर पावर बाय प्रॉमिसिंग दैट अ मसीहा from the family of the prophet would liberate them from the oppressive Umayyad regime. Abbasids जो थे वो basically किसके originate थे? Abbas के, जो कि prophet के uncle थे
और उन्होंने जो है बहुत सारे अलग अलग जो ग्रुप्स थे उनको जो है एक तरह से उनका सपोर्ट हासिल किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम ये जो पावर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ये पूरी तरह से वैध है, क्योंकि उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि जो मसीहा हैं महदी वो जो है फैमिली से हैं प्रॉफिट की, और वो जो है तुम्हें आज़ादी दिलाएंगे इस उमायद रजमी की जो शासन है इससे जो तुम्हें दबाते हैं। देयर आर्मी वॉज लेड बाय एन ईरानियन स्लेव अबू मुस्लिम हु डिफीटेड द लास्ट उमायद कैलिफ मारवान इन द बैटल एट द रिवर ज़ैब। अब उनकी आर्मी जो है उसको लीड कर रहे थे एक ईरानियन स्लेव जिनका नाम था अबू मुस्लिम, उन्होंने जो आखिरी उमायद कैलिफ थे मारवान उनको हरा दिया बैटल में जो कि रिवर ज़ैब पे हुआ था। अंडर अब्बासिद रूल अरब इन्फ्लुएंस डिक्लाइन व्हाइल द इम्पोर्टेंस ऑफ ईरानियन कल्चर इंक्रीज। जब अब्बासिद का राज आया तो जो अरब थे अब उनकी इन्फ्लुएंस कम होने लग गई, जबकि ईरानियन कल्चर जो थे अब उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ने लग गई थी। The Abbasids established their capital at Baghdad near the ruins of the ancient Iranian metropolis Ctesiphon. अब अब्बासिद जो है इन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ बनाई, बगदाद के पास। बगदाद कहाँ था, उस एंशियंट ईरानियन मेट्रोपोलिस Ctesiphon के पास था जहाँ उसके अवशेष बचे हुए थे। The army and bureaucracy were reorganized on a non-tribal basis to ensure greater participation by Iraq and Khorasan. अब जो भी आर्मी और जो भी ब्यूरोक्रेसी जो थी अब उसको दोबारा फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया, और ये इस बार नॉन ट्राइबल बेसिस पे किया गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा इराक और खुरासन जो है वो हिस्सा ले सके। द अब्बासी रूलर्स स्ट्रेंथन द रिलीजियस स्टेटस एंड फंक्शंस ऑफ द कैलिफेट एंड पैट्रोनाइज इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस एंड स्कॉलर्स। अब्बासी रूलर्स जो थे वो अब रिलीजियस स्टेटस जो था उसको जो है मजबूत कर रहे थे, साथ ही साथ जो फंक्शंस थे कैलिफेट के उनको मजबूत कर रहे थे, लेकिन एक तरफ जो है वो इस्लामिक इंस्टीट्यूशन और जो स्कॉलर्स थे उनको ह्यूमिलिएट भी कर रहे थे। बट दे वर फोर्स्ड बाय द नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड एम्पायर टू रिटेन द सेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ द स्टेट। पर जिस तरह से गवर्नमेंट की जो ज़रूरत थी, जो एम्पायर की जो है उनको एक ज़रूरत थी कि वो जो भी स्टेट है उसका जो मुख्य नेचर है उसको बरकरार रखें, तो उनकी मजबूरी हो गई थी कि उनको जो है ये करना पड़ रहा था। दे मेंटेन द मैग्निफिशेंट इम्पीरियल आर्किटेक्चर एंड एलेबोरेट कोर्ट सेरेमोनियल्स ऑफ द उमायद्स। अब उनके जो उमायद द्वारा बनाए गए बड़े बड़े आर्किटेक्चर्स थे या बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स थे, बड़े बड़े जो कोर्ट सेरेमोनियल्स थे उनको जो है मेंटेन करना मजबूरी थी। द रजमी विच टू प्राइड इन हैविंग ब्रॉट डाउन द मोनार्की फाउंड इटसेल्फ कंपेल्ड टू एस्टैब्लिश इट अगेन। अब जो रजमी अपने आप को काफ़ी गर्वित महसूस कर रही थी कि उन्होंने जो है मोनार्की को एक तरह से ख़त्म कर दिया, उनको नीचे कर दिया, उनको खुद को मजबूर हो रहा था कि उनको दोबारा इसको एस्टैब्लिश किया जाए। ब्रेकअप ऑफ द कैलिफेट एंड द राइज ऑफ द सल्तनत। द अब्बासिद स्टेट बिकम वीकर फ्रॉम द 9th सेंचुरी बिकॉज बगदाद्स कंट्रोल ओवर द डिस्टेंट प्रोविंसेस डिक्लाइन एंड बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रो अरब एंड प्रो ईरानियन फैक्शंस इन द आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। जो अब्बासिद स्टेट था अब वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था 9th सेंचुरी से, क्योंकि जो बगदाद का कंट्रोल था और दूर दूर की प्रोविंसेस में अब वो धीमे धीमे कम हो रहा था, और साथ ही साथ जो है जो प्रो अरब थे और जो प्रो ईरानियन गुट थे उनमें भी जो है झगड़े बढ़ रहे थे आर्मी के अंदर और ब्यूरोक्रेसी के अंदर। In 810, a civil war broke out between supporters of Amin and Mohammed, sons of the Caliph Harun al-Rashid, which deepened the factionalism and created a new power block of Turkish slave officers. 810 में क्या हुआ, एक सिविल वॉर जो है वो हो गया, जो अमीन और मोमिन थे इनके सपोर्टर्स के बीच में एक तरह से सिविल वॉर हो गया। अमीन और मोमिन जो है वो सन्स थे यानी बेटे लड़के थे कैलिफ हारून अल रशीद के, जिन्होंने जो है ये जो गुटबाजी थी इसको ज्यादा गहरा कर दिया, और इसकी वजह से एक नया पावर ब्लॉक जो है वो तैयार हो गया तुर्किश स्लेव्स का, जो मतलब तुर्की के जो स्लेव ऑफिसर्स थे अब उनका जो है एक तरह से नया पावर ब्लॉक तैयार हो गया था जिसे ममलुक बोलते हैं। शीज़्म वंस अगेन कम्पीटेड विद सुन्नी ऑर्थोडॉक्सी फॉर पावर। अब एक तरह से कहते हैं जो शियाज़्म था उनको जो है फिर से कम्पीट करना पड़ रहा था जो सुन्नी थे उनकी जो रूढ़िवादिता थी पावर के लिए। अ नंबर ऑफ माइनर डायनेस्टीज अरोज सच एज द तहरीक्स एंड द समानीज इन खुरासन एंड ट्रांसोक्सानिया एंड तुलुनिड्स इन इजिप्टन सीरिया। अब बहुत सारी छोटी छोटी जो डायनेस्टीज थी वो बनने लग गई थी, जैसे तहरीक्स बन रही थी, समानीज बन रही थी खुरासन के अंदर, ट्रांसोक्सानिया बन रही थी तुरान और लैंड जो कि ऑक्सस के बाहर के थे, और साथ ही में तुलुनिड्स जो कि इजिप्ट और सीरिया में था। अब्बासिद पावर वाज़ सून लिमिटेड टू सेंट्रल इराक एंड वेस्टर्न ईरान। अब अब्बासिद की जो पावर थी वो कहाँ तक रह गई थी, सिर्फ सेंट्रल इराक और वेस्टर्न ईरान तक। दैट टू वाज़ लॉस्ट इन 945 व्हेन द बुइड्स द अशीट
Then from the Caspian region of Iran captured Baghdad. अब वो भी जो है एक तरह से खत्म हो गई 945 में जब बईद्स जो थे एक शियात क्लान के थे यानी शियात वंश के थे उन जो कैस्पियन रीजन से ईरान के उन्होंने जो है बगदाद पे कब्जा कर लिया था। तबुईद रूलर्स एज्यूम्ड वेरियस टाइटल्स इंक्लूडिंग द एंशिएंट ईरानियन टाइटल शहंशाह बट नॉट दैट ऑफ कैलिफ। अबुईद रूलर्स जो थे उन्होंने क्या किया अलग अलग तरीके के जो टाइटल्स थे उनको अपनाया जिसमें एक बहुत पुराना ईरानियन टाइटल था शहंशाह का यानी कि बादशाहों का बादशाह राजाओं का राजा नॉट बल्कि कैलिफ का नहीं अपनाया उन्होंने शहंशाह का टाइटल अपनाया। दे कैप द अबासिद कैलिफ एज द सिम्बोलिक हेड ऑफ द सुन्नी सब्जेक्ट। उन्होंने ये जो अबासिद कैलिफ थे उनको ये मान लिया कि सुन्नी के जो लोग हैं या सुन्नी वाले जो लोग हैं उनके ये मेन हेड हैं। द डिसीजन Not to abolish the caliphate was a shrewd one because another Shiite dynasty, the Fatimids, had ambition to rule the Islamic world. अब ये जो decision था कि हम caliphate को खत्म नहीं करेंगे एक तरह से ये बहुत चालाकी वाला decision था क्योंकि एक और Shiite dynasty थी Fatimids, उनका भी एक main इरादा था एक main goal था कि वो Islamic world पे राज करें। The Fatimids belonged to the Islamic sect of Shiism and claimed to be descended from the Prophet's daughter Fatima and hence the sole rightful rulers of Islam. Fatimids जो थे उन्हों वो जो हैं एक कुछ part को belong करते थे एक subsection को belong करते थे Shiism के। Ismaili जो subsect था Shiism का उसको belong करते थे और वो अब ये बताते थे कि हमारे जो हम भी जो हैं वंशज हैं Prophet की daughter के Fatima के और इस वजह से हमारा पूरा अधिकार बनता है Islam के ऊपर राज करने का। From their base in North Africa, they conquered Egypt in 969 and established in Fatimid Caliphate. अब अपने बेस जो कि उनके नॉर्थ अफ्रीका से थे वहां पर उन्होंने इजिप्ट को कॉन्कर किया 969 में और फिर जो है फातिमिद कैलिफेट की स्थापना करी। The old capital of Egypt, Fustat, was replaced by a new city, Kahira, founded on the day of the rise of the planet Mars. ये जो पुरानी कैपिटल थी इजिप्ट की फुस्तात उसको अब रिप्लेस कर दिया गया एक नई सिटी से काहिरा जो आज की डेट में कायरो कही जाती है और ये इसकी जो नींव रखी थी ये उस दिन रखी गई जिस दिन प्लैनेट मार्स जो है वो राइज कर रहा था। द टू राइवल डायनेस्टीज पैट्रोनाइज शीट एडमिनिस्ट्रेटर्स पोएट्स एंड स्कॉलर्स। अब ये जो दोनों राइवल डायनेस्टीज थी दोनों जो एक दूसरे के विरोध वाली जो डायनेस्टीज थी ये शियान जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे पोएट्स थे और जो स्कॉलर्स थे अब उनको जो है एक तरह से ह्यूमिलिएट कर रही थी।